सभी दिव्यांगों के लिए बड़ी खबर, खुशखबरी, ब्रेकिंग न्यूज। दिव्यांगों के पास दिव्यांग प्रमाण पत्र है तो मोदी सरकार सभी दिव्यांगों को नई साल के अवसर पर चार बड़ी योजनाओं का लाभ दे रही है। जिनके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं है उनको कोई लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आखिर वो कौन सी चार बड़ी योजनाएं हैं, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को किस प्रदेश के जिले से देख रहे हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपने प्रदेश का नाम, अपने जिले का नाम जरूर लिख दें ताकि हम आपके प्रदेश में, आपके जिले में चल रही एक से एक बड़ी सरकारी योजना के बारे में आप तक नई नई अपडेट पहुंचाते रहें। तो चलिए दोस्तों, बात करेंगे इन चार बड़ी योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं दिव्यांगों को मिलेगा जिनके पास दिव्यांग प्रमाण पत्र है। मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि सभी दिव्यांगों को 2023 से चार बड़ी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। तो बात करेंगे सबसे पहली और बड़ी योजनाओं को लेकर। सबसे पहली और बड़ी योजना है दिव्यांग पीएम आवास योजना। ऐसे दिव्यांग जिनको कभी भी पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है और जो इसके लायक है, जिनका घर कच्चा है, टीन है, झोपड़ी है, जिनके सर पे छत नहीं है, खुद का मकान नहीं है, तो ऐसे सभी दिव्यांगों के लिए मोदी सरकार 2023 में खुद का घर दे रही है। और खुद का घर बनाने के लिए 2,80,000 रुपए उनके खाते में डाल रही है। इसके लिए किसी भी बैंक में खुद का जीरो बैलेंस या सेविंग अकाउंट खुला होना जरूरी, पहले से खुला है तो और बेहतर है। इसके बाद आप 20 जनवरी 2023 से अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार कार्ड, मूल निवास, पासपोर्ट साइज 2 फोटो और अपने प्रमाण पत्र और अकाउंट की पासबुक की फोटो कॉपी लेकर जाना होगा और आवेदन करना होगा, जिसके बाद आपके खाते में पैसा आ जाएगा। वहीं बात करेंगे दूसरी बड़ी योजना को लेकर। दूसरी बड़ी योजना है दिव्यांग पेंशन योजना 2023। मोदी सरकार का ऐलान है कि जिनको अभी तक 200 या 400 रुपए पेंशन मिलती थी, ऐसे सभी दिव्यांगों को, काफी सारे दिव्यांग ऐसे हैं जिनको कोई भी पैसा नहीं मिलता था, तो मोदी सरकार सभी दिव्यांगों को नई साल की खुशी में 3,000 रुपए महीने पेंशन देने का ऐलान कर रही है ताकि दिव्यांग खुद का घर खर्च चला सके और खुद के लिए कुछ कर सके और उनको रोजगार भी उनके रोजगार के हिसाब से दिया जाएगा। और दोस्तों, आपको कैसे आवेदन करना होगा, आपके पास आधार कार्ड और साथ ही साथ किसी भी बैंक में आपका खाता खुला होना जरूरी है, जिसके बाद आपके पास अगर 60% से अधिक दिव्यांग प्रमाण पत्र है तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके फॉर्म 20 जनवरी 2023 से भरे जाएंगे। वही बात करेंगे तीसरी बड़ी योजना को लेकर। तीसरी बड़ी योजना है दिव्यांग नरेगा कार्ड यानी जॉब कार्ड योजना। जिन दिव्यांगों का पहले से जॉब कार्ड यानी नरेगा कार्ड बना है, तो ऐसे सभी दिव्यांगों को मोदी सरकार 20,000 रुपए देगी। जिन दिव्यांगों का जॉब कार्ड यानी नरेगा कार्ड नहीं बना है तो उनको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। इसके लिए दोस्तों आपको बस इतना करना होगा, अपने नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर 25 जनवरी 2023 से ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसमें आपको दिव्यांग नरेगा कार्ड योजना के तहत आवेदन करना होगा, जिसके फॉर्म 25 जनवरी से भरे जाएंगे। अभी आपको वेट करना पड़ेगा और आपके खाते में 20,000 रुपए आ जाएंगे। वहीं बात करेंगे चौथी बड़ी योजना को लेकर। तो दोस्तों, चौथी बड़ी योजना है दिव्यांग बेरोजगार योजना। जिनके कोई पास कोई रोजगार नहीं है, जो बेरोजगार है और जिनको खुद का रोजगार करना है, तो ऐसे दिव्यांगों के लिए मोदी सरकार दिव्यांग मुद्रा लोन योजना के तहत खुद का रोजगार करने के लिए 5,00,000 रुपए दे रही है, जिसपे कोई भी ब्याज दर लागू नहीं होगा। जिस बैंक में आपका खाता खुला है उसी बैंक में जाकर आप अपने बैंक मैनेजर से मिल सकते हैं और आपको दिव्यांग मुद्रा लोन योजना के तहत 5,00,000 रुपए मिल जाएंगे, जो 5 साल के अंदर वापस कर सकते हैं, जिसपे कोई भी जोर दबाव नहीं डाला जाएगा। और दोस्तों, आपका रोजगार छोटा है तो बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी चार बड़ी योजना हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।